ग्राफिक्स डिज़ाइन कोई नई चीज़ नहीं है। हज़ारों सालों से मैं अगर आपको कहूँ कि इस दुनिया में ग्राफिक्स डिज़ाइन का चलन रहा है, आप पूछेंगे कैसे। ग्राफिक्स डिज़ाइन होता क्या है? ग्राफिक्स डिज़ाइन है विजुअली किसी भी चीज़ को एक इमेज या एक ग्राफिक के थ्रू कम्युनिकेट करना। इट्स अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। आप उसमें इलस्ट्रेशंस यूज़ कर सकते हैं, टाइपोग्राफी यूज़ कर सकते हैं या फोटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। ग्राफिक्स डिज़ाइन का बहुत ही पुराना फॉर्म अगर हम देखें तो केव्स के अंदर मार्किंग्स करके, कुछ चित्र बना के, ड्राइंग करके कम्युनिकेशन किया जाता था, वो भी एक तरह का ग्राफिक्स डिज़ाइन है। पेंटिंग की जाती थी, मोनालिसा का तो आपने नाम सुना होगा, जो सबसे पहली ह्यूमन पेंटिंग थी हमारे हिस्ट्री में। जो पेंटिंग्स है वो भी एक तरह से जो है वो ग्राफिक्स डिज़ाइन है। अगर आप अपने आसपास भी देखो तो हर जगह आपको ग्राफिक्स डिज़ाइन दिखेगा। एग्जाम्पल देखना चाहते हैं? ये चॉकलेट के पैकेट पे जो आप देख रहे हैं बना है, टाइपोग्राफी है, प्रोडक्ट का नाम लिखा है, ये एक तरह से हुआ ग्राफिक्स डिज़ाइन। अगर हम ये रेडबुल की बॉटल देखें, इस पे भी ये जो बना हुआ है चित्र, इस पे ये जो जिस तरह रेडबुल लिखा गया है, ये भी ग्राफिक्स डिज़ाइन का एग्जाम्पल हुआ। सो ग्राफिक्स डिज़ाइन आप देखेंगे न्यूज़पेपर्स में, आपको दिखेंगे होर्डिंग्स जो बाहर रस्ते पे लगे रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स, उस पे दिखेंगे। अगर आप देखें कोई मैगजीन, कोई एजुकेशन बुक, आपको यूट्यूब वीडियोस पे भी ग्राफिक्स डिज़ाइन दिखेगा। ये सब्सक्राइब का कॉल दिख रहा है, ये एक तरह से एक ग्राफिक बनाया गया है, इस ग्राफिक के ऊपर थोड़ा सा एनिमेशन किया गया है, और ये एक तरीका है आपको कम्युनिकेट करने का कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो ये भी हुआ ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन के और बहुत सारे मॉडर्न यूजर्स आ गए हैं। ग्राफिक्स डिज़ाइन का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, किसकी वजह से? डिजिटल मीडियम, सोशल मीडिया के वजह से। ट्विटर पे आप अगर देखेंगे, फेसबुक पे देखेंगे, इंस्टाग्राम पे देखेंगे, तो बहुत सारा ग्राफिक्स डिज़ाइन हमारे आसपास हर वक्त रहता है। ग्राफिक्स डिज़ाइन का अगर हम एक सिंपल एग्जांपल देखेंगे तो किसी बुक पे लिखा हुआ उसका नाम अगर अच्छे फॉन्ट्स में लिखा है, अच्छी टाइपोग्राफी जिसे कहेंगे उसमें लिखा है, तो वो भी एक सिंपल फॉर्म हुआ ग्राफिक्स डिज़ाइन का, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फॉर्म हुआ। सो ग्राफिक्स डिज़ाइन एक सिंपल सा बुक कवर हो सकता है, या फिर एक अच्छा इन्फोग्राफिक हो सकता है जो आपको किसी चीज़ की नॉलेज दे रहा है एक अट्रैक्टिव तरीके से। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 words। अगर आप ग्राफिक्स डिज़ाइन के बिना दुनिया को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फीकी लगेगी। सोचिए, जो आप बुक के कवर्स देखेंगे वो खाली हो, जो आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उस पर कुछ अच्छा ड्राइंग ना हो, जो बटर भी आप खा रहे हैं अगर उसके पैकेट पे भी कुछ ना बना हो अच्छा चित्र, तो क्या मज़ा आएगा। सो ग्राफिक्स डिज़ाइनर हमारे सोसाइटी में कलर भरते हैं, स्टोरी टेलिंग लेकर आते हैं, अच्छा विजुअल कम्युनिकेशन लेकर आते हैं। ये एक अच्छा करियर ऑप्शन भी है। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, उसको मैं यहाँ लिंक कर दूंगा कि आपको ग्राफिक्स डिज़ाइनर कैसे बनना चाहिए। सो ग्राफिक्स डिज़ाइन का चलन या डिज़ाइन का चलन इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है या इतनी बात क्यों होती है इसके बारे में? इसके कई वजह है। सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया बहुत ही तेज़ी से डिजिटल होते जा रही है। जो काम पहले ऑफलाइन होता था अब किसी ऐप के थ्रू होता है, ऐप्स के अंदर भी ग्राफिक्स डिज़ाइन होता है। जो कम्युनिकेशन पहले हम किसी ऑफलाइन मीडियम से करते थे, आज हम ट्विटर पे करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं, फेसबुक पे करते हैं। सो ये जो कम्युनिकेशन होता है इसमें भी बहुत सारा ग्राफिक्स डिज़ाइन बनता है। जो ब्रांड्स कम्युनिकेट करती है हमसे, आज हमारे सारे फेवरेट ब्रांड्स जो है, ये कैमरा कंपनी क्यों ना हो, या फिर यूट्यूब हो, गूगल हो, या कोई कार कंपनी हो, या कोई वॉच बनाने वाली कंपनी हो, वो सारे ही अच्छे से ग्राफिक्स बना के, कुछ डिजिटल कम्युनिकेशन बना के हमसे कम्युनिकेट करते हैं। सो ग्राफिक्स डिज़ाइन का जो हमारे लाइफ में रोल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हम डिजिटल हो रहे हैं। अच्छे डिज़ाइनर्स की हमेशा डिमांड रहेगी, लेकिन इंडस्ट्री में एक चैलेंज भी है। बहुत सारे अच्छे क्वालिटी फ्री टूल्स आ गए हैं, जैसे कि canva.com, जिसको यूज़ करके आप बड़े ही आसानी से कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। उसके फ्री वर्जन में भी अच्छे डिज़ाइन बन जाते हैं। तो फिर जो असली डिज़ाइनर है या जो प्रोफेशनल डिज़ाइनर है, जिनको इस बात के डिज़ाइन करने के पैसे मिलते हैं, उन्हें अपना आर्ट, अपनी कला को इतना ऊपर लेके जाना होगा कि वो फ्री टूल्स को या इन टूल्स को यूज़ करके जो कोई साधारण नॉन डिज़ाइनर चीज़ बनाए, उससे अच्छा इस डिज़ाइनर का काम हो। सो डिज़ाइनर्स का जो चैलेंज है वो इस तरह बढ़ गया है।
सो मैं आशा करता हूँ ग्राफिक्स डिज़ाइन के बारे में आपने आज कुछ जाना होगा. अच्छा, ग्राफिक्स डिज़ाइन कैसा करियर है, ग्राफिक्स डिज़ाइनर कैसे बने, उस पर मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ.